तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स में, सॉरी सिक्स क्लियरली मैं लिख रहा हूँ, ओके तो क्वेश्चन रीड आउट करते हो, ओके यहाँ पर दिया है लाइन ए बी, तो मैं डायग्राम पहले ड्रॉ करता फिगर, ओके तो ये इस तरह का फिगर है और कोई मिस आउट नहीं है, ओके तो क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूँ कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू डी ई, फाइंड द मेजर्स ऑफ डी आर ई, डी आर ई फाइंड आउट करना है एक तो ये, और दूसरा फाइंड आउट करने का ए आर ई, ओके यहाँ पर कुछ मेजर्स दिए गए, ओके सबसे पहले हम पैरेलल वाला वो जो चीज़ है पैरेलल लाइंस में जो हम सीखे देखिए कैसे वो दो चीज़ पैर दो लाइंस पैरेलल होते हैं और उसका ट्रांसवर्सल क्या होता है उस हिसाब से करेंगे, तो वेरी इजी कैसे लिखेंगे पहले बता दो, पहले लिखेंगे इन एंगल सॉरी साइड ए बी, ए बी इज पैरेलल टू डी ई और इसका ट्रांसवर्सल क्या है ए डी, ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, ओके लाइन ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड ए डी इज द ट्रांसवर्सल, ये हुआ। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लीनियर पेयर ऑल्टरनेट एंगल, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बोला था इंक्लूड होंगे, तो इसमें भी होने वाला है एक ऑल्टरनेट एंगल, दिख रहा है आपको जेड उल्टा जेड, उसको फ्लिप करोगे तो एन उल्टा एन, तो ये एन फॉर्म में कुछ हो रहा है, एन उल्टा एन फॉर्म में, तो देखो कैसे लिखोगे बी ए डी, कैसे बी ए डी, बी ए डी फिर ए डी ई, ओके इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी ई, रीजन क्या दोगे आप लोग ऑल्टरनेट एंगल्स, हमें बताते हो क्यों मैंने ये लिखा, ठीक है हम लोगों को क्या करने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए बोले, एक तो डी आर ई, डी आर ई और ए आर ई दो चीजें फाइंड आउट करने के लिए कहा है। अभी देखो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, मैंने ऑल्टरनेट एंगल लेके क्या करूंगा, अब मैं बी ए डी का कितना स्टूडेंट, बी ए डी का ये कितना वैल्यू, ए बीच में जो ए एंगल है वो देखो 70 डिग्री, तो ए डी कितना होगा वो भी 70 डिग्री होगा, ओके तो ये डी बीच में है यहाँ पर 70 डिग्री होगा, ओके ये हो गया क्लियर। उसके बाद जब आप फ्लिप करोगे, अगर आप इतने लाइन को इग्नोर, ए बी को इग्नोर करोगे, ओके तो आप लोगों को एक आंसर मिल सकता है, देखो मैं एक सिंपल तरीके से हम लोग ए आर ई फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके ओके एक थोड़ा रिकैप देता हूँ बट तुम लोग के दिमाग के ऊपर से जा रहा हूँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए डी इज द ट्रांसवर्सल, तो मैंने बी ए डी, बी ए डी और ए डी ई को ऑल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो ए और डी में जो मेजर है मतलब ए का एंगल अगर 70 है तो ये डी भी 70 डिग्री होगा, ओके क्यों मैंने किया कि ताकि हम लोग वो जो इंटीरियर एंगल थ्योरम याद है वो करके हम लोग ये वाला फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक को थोड़ा फ्लिप करोगे तो कुछ देखो ये वाला, तो पहले लेंगे बाय द थ्योरम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ओके मैंने क्यों ये वाला किया ताकि हमें डी का एंगल मिल सके, फिर हम ये बताते थे, अगर आपने फर्स्ट सम देखा होगा फर्स्ट सम इसका तो ऐसे ही है ए आर ई, ए बी को इग्नोर करो, ए बी को इग्नोर करोगे तो ए आर ई क्या हो रहा है एक्सटीरियर एंगल हो रहा है और ये ट्राइंगल हो रहा है, अभी कुछ दिमाग में फर्स्ट सम को कनेक्ट करो ए बी को इग्नोर करो, ओके थोड़ा वो सोचो, उसके बाद देखो कैसे लिखूंगा ए आर ई इज इक्वल्स टू ये दो एंगल्स होते हैं ना इस तरह से मैंने किया था, तो ये एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस या दिस प्लस दिस, ये एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस वन, जैसे कि ए बी सी और डी है, ओके तो ए सी डी कैसे होगा ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, ये वाला तो इधर सेम वे में डी और ई का है, तो ए आर ई इज इक्वल टू कैसे लोगे
ले सकते हो डी ई आर प्लस ई बीच में आ रहा है और डी का एंगल, या फिर सिंपल तरीके से अगर आप लोग वीक अगला अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल है डी आर ई इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई, इससे मार्क्स कट नहीं होगा। 70 प्लस 40 कितना हो रहा है 80, 90, 100, 110। ओके तो ए आर ई कितने स्टूडेंट्स 110 डिग्री, तो हमें ए आर ई का तो मिल गया एंगल ए आर ई का 110 डिग्री, ये हुआ। उसके बाद हमें 110 का मिला, उसके बाद हम एक और चीज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लीनियर पेयर बराबर लीनियर पेयर कैसा होता है टी उल्टा टी, या दिख रहा है आप लोगों को टी फॉर्म में ये वाला जैसे प्रीवियस सम में किया था, तो हम उसके थ्रू लीनियर पेयर के थ्रू ये वाला डी आर ई फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो एंगल ए आर ई प्लस ए आर ई प्लस डी आर ई, ओके टी फॉर्म में हो रहा है, देख रहे हो टी फॉर्म में ए आर ई प्लस डी आर ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये लीनियर पेयर एल पी लिख रहा हूँ। तो अभी ए आर ई का कितना है 110, डी आर ई का तो पता ही नहीं हम लोगों को, और 180 डिग्री। अब वो डी 110 उस तरफ जाएगा, तो डी आर ई 180 माइनस 110 कितना हो गया 70 डिग्री, 110 या 70 डिग्री। सो डी आर ई का वैल्यू कितना है स्टूडेंट 70 डिग्री, 180 का कंफर्म करता हूँ। ओके परफेक्ट, तो आप लोगों का आंसर मिल गया, ए आर ई का 110 है और डी आर ई का कितना हो गया 70 डिग्री। तो फिलहाल आप ये इसे पॉज करके देख सकते हो, और या अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया हो या दिमाग के ऊपर से गया तो पीछे वीडियो को पीछे लीजिए, रिवाइंड कीजिए और देख लीजिए, आप लोग डेफिनेटली समझ जाओगे। आई होप आप लोगों ने पॉज करके देख लिया होगा। तो मैं कर रहा हूं अभी क्वेश्चन नंबर 7। ये वाला बहुत इजी है, इसमें लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी पहले ए बी सी का लिखते हैं। ओके ट्राइंगल ए बी सी बाइसेक्टर ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, तो यहाँ पर एक पॉइंट ओ रहेगा। ओके ये चीज़ याद रखना, बीच में एक पॉइंट ओ है। ओके सो ए एंड बी इंटरसेक्ट, मतलब इंटरसेक्ट का मतलब ए का एंगल या इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पर बी का एंगल इंटरसेक्ट हो रहा है एट पॉइंट ओ, तो यहाँ पर सी आएंगे। ओके समझ लो इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, कनेक्ट हो रहे विद पॉइंट ओ, ए एंड बी इंटरसेक्ट हो रहे, ए यहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है बी, तो यहाँ पर बीच में पॉइंट ओ हो रहा है और सी ऊपर रहेगा। सी 70 डिग्री, तो सी 70 डिग्री है। फाइंड एंगल ए ओ बी, तो हमें इसे फाइंड आउट करना है। ओके तो अभी इसमें देखो, पहले बात हम क्या कर सकते हैं कंसीडरेशन के लिए, यहाँ पर एक्स एक्स कंसीडर कर सकते हैं और यहाँ पर वाई वाई। ओके ये हाफ वाला एक्स, ओके और ये वाई। ओके तो कैसे लिखोगे, देखो पहली बार देखो सी ए ओ इज इक्वल्स टू सी ए ओ और ओ ए बी, ओके एक्स है। ओके ये एक हो गया, मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ओके रेफरेंस बुक में वो सब नहीं बताया गया इसके लिए। सी ए ओ एन ओ ए बी ये हो गया, ये कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट एंगल की तरह हो रहा है और सॉरी लीनियर पेयर की तरह। फिर सी बी ओ, सी बी ओ इज इक्वल टू ओ बी ए, ये कितना है वाई। ओके इतना अभी हम जब देखेंगे कि अगर सी ए बी को अगर हम जोड़ें, ये हमें हमारा हो गया, समझ लो इधर हमने आधा आधा एक्स दिया इधर आधा आधा वाई, तो सी ए बी का कितना होगा, सी ए बी का क्या होगा पूरा सी ए बी मिला के 2x डिग्री होगा। ओके सी ए बी एक्स प्लस एक्स 2x, और सी बी ए का कितना होगा 2y डिग्री। अब हम क्या करेंगे इसमें, वो 180 वाला चीज करेंगे एक्स बोलते ना सी ए बी का, तो कैसे करेंगे देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल द मेजर ऑफ द ट्राइंगल, वो लिखना है आपको सम ऑफ ऑल द मेजर ऑफ द ट्राइंगल। ए का क्या है
एंगल ए का क्या है और ये बी का है हमारे पास, तो एंगल ए का कितना है 2h डिग्री, बी का क्या है 2i डिग्री और ये क्या है 70 डिग्री 180। तो मैं ये जो 180 इस तरफ 70 को माइनस कर दूंगा उधर, 2x प्लस 2y ये कितना हो गया 110, मैं चेक करता हूँ 110 डिग्री, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 110 डिग्री। मैं जरा थोड़ा एरो करता हूँ, अभी हम इसका इसको सिंगल रख सकते हैं बाय पूरे तीनों को डिवाइड करके 2 से, ताकि हम इसको सिंगल x और सिंगल y रख सके। देखो कैसे, ओके ऐसे कट हो गया, तो x प्लस y हो गया और ये कितना हो गया 55, बस मैं सोच रहा हूँ गेस कर रहा हूँ, या परफेक्ट 55 आंसर क्या है 55, इसको कट करने पर 55 मिल रहा। तो x प्लस 5 कितना है स्टूडेंट्स 55, इतना हुआ, समझ गए तुम लोग। मैंने इसको 2x, c एंगल a को 2x और एंगल b को 2y दिया, ओके तो a प्लस b प्लस c 180 डिग्री, 2x a का एंगल क्या है 2x और b का एंगल 2y ऐसा, ओके तो x प्लस y इज इक्वल टू 55 मिला। रुको अभी अभी और एक करना है, अभी हम ये कॉन्सेप्ट है इसका था इन ट्राइंगल ए बी सी का था, ओके ये एंटायर ट्राइंगल का अंदर के ट्राइंगल का बाकी है, ओके ये समझ गए तुम लोग। अभी क्या करूँ मैं, यहाँ पर जगह रहेगा तो यहाँ पर ही कर देता हूँ। इन ट्राइंगल ए ओ बी, अभी हम अंदर के ट्राइंगल का लेंगे, उसमें देख सकते हो ए ओ बी में सिर्फ एक्स और वाई है, ओके जैसे कि देखो एंगल ओ ए बी इसके अंदर का है, इसके अंदर का है ओ ए बी कितना है, ए बीच में है कितना है एक्स डिग्री, और ओ बी ए कितना है वाई डिग्री, ठीक है, और O का तो ये O A O B का तो कुछ भी नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, वही लेंगे सम ऑफ तीनों, इसका सम ऑफ ऑल द मेजर ऑफ द ट्राइंगल वो पूरा लिख दो आपके हिसाब से। फिर O का नहीं दिया गया है तो ठीक है, ओके A O B मतलब शॉर्ट में इसका मतलब होता है A O B, ओके शॉर्ट में लिखा मैंने A O B है, O का तो नहीं है, A का कितना है स्टूडेंट्स x, b का कितना है y 180 डिग्री। अभी आपको x प्लस y मिला था मैंने फाइंड आउट किया, तो इसकी जगह हम डालेंगे 55, O को नीचे लाएंगे O डिग्री को और इसे O डिग्री 180 माइनस 55, O का मतलब क्या बोला था मैंने AOB फुल फॉर्म में लिखना, तो 180 माइनस 55 आंसर क्या है 125 डिग्री। तो ए ओ बी कितना है स्टूडेंट्स 125 डिग्री, ओके तो दिस इज व्हाट इज योर आंसर। तो फिलहाल इसे पॉज करके देख लीजिएगा, बड़ा ही इजी सम है अगर आप समझने जाओ, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर भी कुछ एक यहाँ पर तो ऑलरेडी फिगर दिया हुआ, ओके डायग्राम ड्रॉ करते हो तो जगह बहुत कम रहता है, क्या करें इस तरह से कुछ है ना। क्यों यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सब मैंने लिख दिया है, बी क्यू सब कुछ लिख दिया, और ऑल राइट सही है, वो भी ये भी सेम सब है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं, मेजर डिफरेंस तो नहीं, जैसे कि ए ओ बी कैसा था इसके अंदर छोटा सा, इसके पहले के समय से पी टी ओ का फाइंड आउट करना, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल बराबर रे पी टी एंड क्यू टी, पी टी एंड क्यू टी आर बाइसेक्टर्स ऑफ बी पी क्यू, बी पी क्यू एंड पी क्यू डी रिस्पेक्टिवली, ओके पी टी क्यू इज 90 डिग्री।
तो सबसे पहले हम इसमें इंटीरियर एंगल्स, अगर किसी को याद नहीं, इंटीरियर थ्योरम्स ऑन इंटीरियर एंगल, नहीं इंटीरियर एंगल मतलब ऐसा बी पी क्यू एंड पी क्यू डी, इसी में से पैरेलल लाइन रहता है, जिनको नहीं पता पैरेलल लाइन लेसन के बारे में, ये और फिर ये अपने अंदर का रहता है, उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वही लिखेंगे क्वेश्चन में, इन इन में सॉरी ये ट्राइंगल के बाद में लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, क्यू इज ट्रांसवर्सल। ओके, ये हुआ। उसके बाद हम ले सकते हैं बी पी क्यू। अभी हम एक काम करेंगे, इसको इधर जैसे प्रीवियस सब में किया था वैसे ही इसको एक्स एक्स देंगे, इसको वाई वाई करेंगे, हाफ हाफ। ओके, इन दोनों लाइन के बीच में परफेक्ट हो। अभी देखो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, प्रूफ दैट पी टी क्यू इज 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है हम लोगों को, तो हो जाएगा। ओके, ये पैरेलल प्रूफ होने के मतलब हमने पैरेलल प्रूफ किया कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। अभी इसमें क्या हो सकता है, बी पी क्यू एंड पी क्यू डी कैसे लिखेंगे, बी पी क्यू प्लस पी क्यू एंगल पी क्यू डी। ओके, कैसे रहता है इंटीरियर एंगल, बी पी क्यू एंड पी क्यू डी इज 180 डिग्री इंटीरियर एंगल्स। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को पैरेलल लाइन का लेसन बिल्कुल समझने में नहीं आया हो तो वो वीडियो देख लीजिए, मैंने बनाया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, फिर ही आप ये समझो, नहीं तो आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। ओके, इंटीरियर एंगल बी पी क्यू एंड पी क्यू डी। अभी बी पी क्यू का मैंने क्या सोचा है, 2x कर देंगे, बराबर, x प्लस एक्स 2x। पी क्यू डी का क्या कर देंगे, 2y, 180 डिग्री, ठीक है, बी पी क्यू एंड पी क्यू डी 2x और 2y। अभी डिवाइड करेंगे इसको, ये कट और ये 90, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मैं एज कंसिडरेशन साइड में रखता हूँ, जैसे प्रीवियस में कैसा था x प्लस वाई 55, वो ए ओ बी का हमने किया तभी हमने वो 55 इंसर्ट किया, वैसे ये वाला हो गया। अभी हम पी टी क्यू कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू, इसको फुल फॉर्म में लिखने जाएंगे तो कैसा होगा, क्यू पी पी प्लस पी टी क्यू प्लस क्यू, फिर से पी टी और क्यू ना पी क्यू टी, ऐसे फुल फॉर्म में आप लिख सकते हो पी टी क्यू को, क्यू पी टी बीच में देखो पी है, फिर ये टी बीच में और ये क्यू बीच में, इस 180 डिग्री। ओके, तीनों का क्या होगा, सम ऑफ ऑल द मेजर्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, वही है। ओके, कैसे किया मैंने, मैं लाइन खींचता हूँ, एंगल पी टी क्यू में हम वो सम ऑफ ऑल द मेजर, इसमें क्या होगा, एक सिंगल है वाई सिंगल है, जो बाहर का एक्स वाई इंक्लूड नहीं होगा, तो पी का क्या है स्टूडेंट्स, एक्स पी का क्या है स्टूडेंट्स, कुछ दिया नहीं गया। ओके, तो मैं एज इट इज पी टी क्यू लिखता हूँ, और क्यू का क्या है स्टूडेंट्स, वाई 180 डिग्री। ओके, अभी हम एक्स प्लस वाई को एक साथ लाएंगे और पी टी क्यू को साइड में रख देंगे 180 डिग्री, मैं नीचे लेके आता हूँ, एक्स प्लस वाई क्या था स्टूडेंट्स, 90 है, इसमें 90 प्लस पी टी, ओ माय गॉड, तो जगह कम पड़ रही है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये जब हम ये करेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री प्लस पी टी क्यू 180 डिग्री, तो पी टी क्यू को हम एक तरफ लेंगे, 180 माइनस 90 कितना हो गया, 90 डिग्री, तो पी टी क्यू क्या है, 90 डिग्री, एंड दस प्रूफ भी हो गया, प्रूफ दैट पी टी क्यू इज 90 डिग्री। ओके, तो हमारा जो सम था, ये जो हमने किया है वो प्रूफ हो गया, और ये बहुत ही छोटे सम मैंने बना, बहुत ही छोटा सम है मैंने बनाया, क्योंकि बाकी अगर आप देखने जाओ तो पूरा अगर फैला फैला के लिखो तो बहुत बड़ा सम बन जाएगा। ओके, मैंने स्वीट सिंपल सम किया, आप एक बार पॉज करके देख सकते हो, और अगर आप नहीं समझो दिमाग के ऊपर से गया तो प्लीज़ रिवाइंड कीजिए, आप लोगों की गलती नहीं, यूट्यूब है बिंदास, रिवाइंड करके देखो, फिलहाल पॉज कीजिए। ओके, फिलहाल रब आउट करता हूँ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, अरे तो बहुत इजी है, डिफिकल्ट सम के बीच में हार्ड सम दिया है।
मैं ये बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, ये आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। ओके आगे ये कुछ है, लोगों ने बोला है कि फाइंड ए बी सी। अब बहुत इजी, अगर आप लोगों को पैरेलल लाइंस का इन्फॉर्मेशन है तो इसमें भी अप्लाई करना है। ओके तो सबसे पहले ए का तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो बी और सी फाइंड आउट करें। इससे हम कैसे करेंगे, बी कैसे मिलेगा, वर्टिकली ऑपोजिट। ओके वर्टिकली ऑपोजिट ऐसे होता है, ये वाला सेम है तो ये वाला सेम, तो अगर ये वाला 70 है तो यहाँ पर भी 70 हो जाएगा। ये लीनियर पेयर, ओके लीनियर पेयर से अगर माइनस करो तो 180 माइनस 100 कितना होगा, 80 डिग्री। उसके बाद ये ए प्लस बी प्लस सी 180, शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। सम ऑफ ऑल द मेजर्स ऑफ द ट्राइंगल लिख के ए बी का क्या 70, सी का 80 और यहाँ पर 180, पूरा आप सॉल्व कीजिए, आपको ए का आंसर मिल जाएगा। ओके तो बहुत ही सिंपल ये वाला 9 सर। ओके तो फिलहाल पॉज कीजिए, अगर आप लोगों को देखना हो फिर मैं टेंथ वाला सम करूँगा जो बहुत ही बड़ा सम है, फिलहाल देखते। ओके स्टूडेंट्स तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या लिखा है देखो, ओके वो डायग्राम है वो ड्रॉ करता हूँ। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फिगर ड्रॉ किया मैंने एस डन इन द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन रीड करते हैं कि लाइन डी ई पैरेलल टू जी एफ एंड ई जी एंड एफ जी दो ट्रांसवर्सल्स हैं, द बाइसेक्टर ऑफ डी ई एफ एंड डी एफ एम ओके रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, पहला प्रूफ करना है कि डी ई जी इज हाफ ऑफ ई डी एफ, डी ई जी इज हाफ ऑफ ई डी एफ ओके एंड ई एफ इज इक्वल्स टू एफ जी, ये लाइन। ओके सिंपल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्वेश्चन, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, वेटेज ऑफ द मार्क्स इज ऑल्सो मोर, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सिंपल तरीके से बता सकता हूँ एज पर रिटन द क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पैरेलल की बात चल रही है डी ई और जी एफ, और दो चीज प्रूफ करनी, एक मैं यहाँ लिखता हूँ। क्या पहला वाला प्रूफ करना है कि एंगल डी ई जी इज हाफ ऑफ ई डी एफ, इसको प्रूफ करना, सेकेंड ये ई एफ इज इक्वल्स टू एफ जी, दो चीजें हमें प्रूफ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो ये पहला वाला ना इसे प्रूफ करेंगे, तो मैं यहाँ पर नंबर वन लिख रहा हूँ, इसे प्रूफ करूंगा, इसे प्रूफ करके फिर आपको पॉज करने के लिए कहूंगा, उसके बाद हम ये वाला देखेंगे। ओके मैं फिर वो फर्स्ट वाला जो मैं प्रूफ करने का रब आउट करूंगा, अभी जगह कम है। ओके तो पहली बात पैरेलल की बात चल रही है तो मैं लिखूंगा लाइन डी ई इज पैरेलल टू लाइन जी एफ। ओके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम वैसे स्टेप आजमाएंगे जो प्रीवियस दो सम्स में किया था, यहाँ पर हम एक्स कंसिडर करेंगे। ओके दो एक्स कंसिडर करेंगे उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। लाइन डी इज पैरेलल टू लाइन जी एफ और इसका ट्रांसवर्सल दो है, देखो ई जी और ई एफ, तो हम लिखेंगे ई जी इज द ट्रांसवर्सल। ओके मैं समझाता हूँ, दो अलग अलग सम्स है। पहले वाले में हम क्या करेंगे, इसमें लाइन डी इज पैरेलल टू जी एफ एंड ई जी या जी ई इज द ट्रांसवर्सल, ये वाला। ये होने के बाद हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स लेंगे, इसमें यह बताया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। ओके ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, मतलब ये वन सेकेंड, ये थोड़ा सा है टेक्स्टबुक में कैसा। ओके ये तो ओके, तो मैंने यहाँ पर एक्स कंसीडर किया। ओके तो कैसे लिखेंगे, देखो डी ई एफ और जी एफ एम को करस्पॉन्डिंग एंगल्स में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। देखो डी ई एफ का क्या, देखो डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू
GFM देखने जाओ तो दोनों के साइड पोजीशन और एंगल ये है, अरेंजमेंट बहुत सिमिलर है, परफेक्ट है. इसके लिए मैं इसको लिख रहा हूँ DEF एंड GFM corresponding angles. ओके, एंगल का साइन है ऐसा, corresponding एंगल. अब DEF का क्या है स्टूडेंट्स? 2x. ओके, DEF का कितना है स्टूडेंट्स? 2x. तो GFM भी 2x होगा, तो मैं यहाँ पर 2x लिखता हूँ. इसी के साथ इसमें बताया गया है, गिवन पार्ट क्या है कि BFG, अगर आप एंगल को टेक्सटबुक में गौर से देखो, अगर आपको यहाँ का समझ में नहीं आ रहा है, GFM भी 2x है, लेकिन उसके साथ जो और एक चीज इक्वल है जो है DFG. देखो DFG ओरिजिनेट करो कहाँ पर है, वो देखो एक हल्का सा क्रॉस किया हम लोगों ने. DFG भी क्या है? वो भी कॉन्ग्रुएंट है. तो देयरफॉर देखो DEF x plus x कितना हो गया? 2x. ये और ये इक्वल है तो 2x हो गया. ये वाला टोटल मिलाकर 2x हो गया. फिर ये वाला भी इक्वल है. तो देयरफॉर इफ GFM इज 2x तो एंगल DFG इज आल्सो 2x. ओके, तो टोटल DFM, देयरफॉर DFM कितना हो गया स्टूडेंट्स? DFM कितना हो गया? 2x plus 2x 4x. ठीक है, समझ रहे हो? DEF x and x 2x. तो एक corresponding angle से हमने थोड़ा line को parallel वो सब proof किया, transversal EG. फिर DEF 2x और DFM, sorry GFM भी GFM भी 2x होगा. If GFM is 2x तो DFG भी 2x होगा. फिर DFM दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है? 4x. इतना हुआ. उसके बाद हम क्या करेंगे? अभी देखो यहाँ पर अभी हम ये वाला फाइंड आउट करना है हम लोगों को. इतना होने के बाद मैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को मैं सी ए लिख सकता हूँ, बेटर होगा जगह भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. इतना होने के बाद हमें ये फाइंड आउट करनी है एंगल, यहाँ का एंगल है. तो हम आप लोगों को पता है फर्स्ट सम में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रैक्टिस सेट का, जिसमें एक्सटीरियर एंगल है DFM, एक्सटीरियर एंगल है तो कैसे लिखेंगे? वो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है तो कैसे लिखेंगे? DFM इज इक्वल्स टू एंगल E प्लस एंगल D. एंगल D का आपको वैल्यू मिल जाएगा. DFM का कितना मिला था? 4x. E का एंगल कितना है? 2x. D तो एज इट इज, इस तरफ जाके 2x हो गया. एंगल D का कितना है स्टूडेंट्स? 2x. ओके, ये मिल गया. उसके बाद हमें प्रूफ देखना है. अभी इसके बाद इतना सब प्रूफ होने के बाद आप लोगों का एक चीज साफ है, आप लोगों के लिए एक चीज साफ होगा. DEG इज हाफ ऑफ, देखो एक सेकेंड, इतना सब आप समझ गए होंगे. देखो मैं वापस एक रिकैप देता हूँ स्टूडेंट्स. DE इज पैरेलल टू GF एंड EG इज द ट्रांसवर्सल. फिर DEF एंड GFM दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. इसका मतलब क्या है कि यहाँ का अगर 2x है तो ये GFM भी 2x रहेगा. यहाँ पर टेक्स्ट बुक में ये बताया है कि ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. 2x है तो ये भी 2x होगा. DFG 2x है, सॉरी GFM 2x है तो DFG भी 2x होगा. देयरफॉर ये दोनों एंगल DFM आपका एंगल, ये दोनों को प्लस करके 4x हो रहा है. ओके, उसके बाद हमको ये भी फाइंड आउट करना था ऊपर का, तो मैंने क्या किया, वो एक्सटीरियर रीजन लिखता हूँ. एक्सटीरियर एंगल के साथ रहता है ना ट्राइंगल, तो इंटीरियर एंगल थ्योरम URM. ओके, इंटीरियर एंगल थ्योरम लिखा है. फिर वो जो है सब्सटीट्यूट किया तो एंगल D का कितना मिला? 2x. इसका मतलब साफ है. देखो इसमें अभी प्रूफ हो गया, देखो प्रूफ हो गया है. DEG किधर है? यहाँ पर. DEG का क्या है? x मतलब 1x पकड़ो. ओके, DEG x है. ये एंगल देखो बीच में x है, इज हाफ ऑफ EDF. EDF कितना है? D बीच में D है, 2x. अगर 2x का हाफ करेंगे तो कितना आता है? 1f. तो देयरफॉर 1x. तो देयरफॉर प्रूफ हो गया. देयरफॉर इट्स प्रूफ दैट DEG इज हाफ ऑफ EDF. आपको चाहिए तो थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हो. DEG कितना है? E का वैल्यू कितना है? x इज हाफ ऑफ EDF तो 2x. ओके, तो जब आप
टू का हाफ करोगे तो कितना हो रहा है 1x, तो इस तरह से एक्सप्लेन करना। फिलहाल पॉज करो इसको, उसके बाद हम उसका सेकेंड वाला प्रूफ भी देखेंगे कैसे करना है। सॉरी मैंने तो पूरा रब आउट ही कर दिया, नो प्रॉब्लम। सेकंड प्रूफ देखते हैं इसमें क्या लिखा है। F is equals to FG। ओके, अब मुझे टेक्सटबुक से रेफर करना पड़ेगा। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, आपको टेक्सटबुक रेफर करना पड़ेगा, रेफर इज मस्ट। ओके, पहली बार हमने क्या किया था, वही प्रीवियस सम की तरह लाइन DE है ना, DE इज पैरेलल टू लाइन GF। और इसमें देखो प्रीवियसली ट्रांसवर्सल क्या था, EG लिया था, अब हम लेंगे EF इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, EF उसमें EG लेना था, इसमें EF ट्रांसवर्सल लेना है। ओके, अगर आप इसमें देखो तो देखो डायग्राम में देखो डी EF ट्रांसवर्सल है तो DEG और EGF। ओके, एंगल DEG is congruent to EGF। ये किस तरह से फॉर्म हो रहा है, शेप, शेप कौन सा हो रहा है, जेड फॉर्म में, जेड या उल्टा एन बोल सकते हो या एन फॉर्म में। ओके, डी ई जी एंड ई जी एफ, ई जी एफ। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो अपना Z उल्टा Z, N उल्टा N, वो zigzag फॉर्म में रहता है ना, उसको बोलते हैं alternate angles। ठीक है, तो DEG और EGF हो गया प्रूफ। अभी DEG का वैल्यू क्या मिला था स्टूडेंट्स, E का वैल्यू कितना था, DEG, अभी हम E को देखेंगे जो था X, DEG X था, तो EGF कितना हो गया, अभी G का वैल्यू भी X होगा। अगर G का ये देखो, G का एंगल देखो, वहाँ पर दो लाइन्स ऐसे जुड़े हुए हैं ऐसे, यहाँ पर भी x होगा अगर आप टेक्स्ट बुक में देखो तो। ओके, तो e का वैल्यू अगर x है तो g का भी एंगल का वैल्यू कितना होगा, x। प्रूफ हो गया। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अगर eg deg egf xx हुए, और एक भी है जो x है, वो जो है एंगल e का एक आधा, जिसमें देखो एक तो होगा ये deg और एक होगा feg, एंगल feg दिख रहा है आप लोगों को, e का एंगल दोनों तरफ x है, FEG का एंगल देखो FEG, तो वो भी x हो रहा है। ओके, तो दोनों तरफ जब तीनों मतलब सॉरी ये E का एंगल, G का एंगल और ये वाला जो FEG है, देखो पहली बार DEG को ओरिजिनेट करो, DEG क्या है, x है। ओके, ऑल्टरनेट एंगल से DEG x है तो EGF भी x होगा, G का एंगल देखो वो भी x होगा। उसके बाद एक और चीज़ है वहाँ पर x देखो, FEG देखो, FEG वाला वहाँ पर भी x होगा, इस तरह से है, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, ये वाला था E, यहाँ पर F, E, G वाला, F से यहाँ पर ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ पर D वाला ओरिजिनेट हो रहा है, तो ये वाला भी तीनों जगह x है, तो देयरफॉर ये भी प्रूफ हुआ कि EG सॉरी EF इज इक्वल टू FG। ओके, वापस बताता हूँ, DE इज पैरेलल टू GF और उसमें से जो बेस लाइन है वो EF, उसमें क्या था EG हमने ट्रांसवर्सल लिया था, इसमें EF ट्रांसवर्सल लेंगे और अल्टरनेट एंगल की मदद से DEG, DEG और EGF zigzag वे में जो N की तरह हो सकता है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। E का एंगल कितना है, X वैल्यू क्या है, X डिग्री, तो EGF जो G एंगल है वो भी X होगा। लेकिन ये दोनों के अलावा एक और एंगल है वो भी x है जो है FEG, FEG को अगर आप देखो E वो भी x है ऑलरेडी, दोनों x x थे, तो देखो अगर तीनों साइड्स तीनों के एंगल का वैल्यू x है तो देखो EF इज इक्वल्स टू FG। ओके, तो फिलहाल इसे पॉज करके देख लीजिएगा, ये बड़ा सिंपल है, अगर आप एक दो दफ़ा समझने की कोशिश करो, समझोगे तो बेटर होगा, क्योंकि एक टाइम में आप ये दोनों चीज़ समझ नहीं पाओगे, तो चाहे तो रिवाइंड करके देखो या फिर समझो तो पॉज करके देख लेना। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने प्रैक्टिस से 3.1 कवर अप करने की कोशिश की इस वीडियो में, और इसमें मैंने 6 से लेकर 10 तक
जितने भी सम्स थे मैंने कवर अप किए। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी है अवेलेबल, आइदर आप आई बटन में देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा 1 to 5, वो अलग वीडियो बनाया मैंने। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जितना हो सके स्कूल में भी आप बताइए चैनल के बारे में, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इस तरह के वीडियो मैं लाते रहता हूँ महाराष्ट्र बोर्ड के मैथमेटिक्स और कई दूसरे सब्जेक्ट के एक्सप्लेनेशंस। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।